हमारा चैप्टर चल रहा है मेंटल एबिलिटी में, जो टॉपिक है हमारा हूबहु शक्ल पहचानना, यक्षा अशकाल को पहचानना, जिसमें हमने देखा था कि एक शक्ल दी जाती है और उसके से मिलते जुलते चार अशकाल दी जाती है। उन चार अशकाल में से सेम टू सेम सवालिया शक्ल के जैसी शक्ल तलाश करके हमें उसका निशान, उसके जवाब की निशानदेही करना होती है, जिसमें हमने सात मिसालें पिछली क्लास में देख चुके थे। अब हम इस क्लास में आगे बढ़ते हुए उसके आगे देखेंगे। सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिए। अब सवाल नंबर 9 लेते हैं हम। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब बतलाइए कि जो सवालिया शक्ल है लेफ्ट साइड में, उससे मिलती जुलती कौन सी शक्ल आपको नजर आ रही है? पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं चंद सेकंड आपको देता हूं, क्योंकि इम्तिहान में 36 सेकंड होंगे हमारे पास जवाब तलाश करने के लिए हर सवाल के लिए। उन 36 सेकंड्स में हमें जवाब तलाश करने की आदत डालना है, इसलिए आप तलाश कीजिए क्या है आंसर। स्क्रीन मेरे सामने होने की वजह से मुझे आंसर्स कौन कौन दे रहा है नजर नहीं आ रहा है। चलिए कोई एक आंसर बताइए इसका कि सही आंसर क्या है। सर 4 नंबर का आंसर राइट है, नंबर 4 का सर। नंबर 4 का राइट है जी सर। और जो 1 2 3 राइट क्यों नहीं है सर? क्योंकि जो शक्ल है ना उसमें जो पहले वाले में है ना, जो बीच की जो लाइन है ना वो सेम है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, नीचे वाली बड़ी है ऊपर वाली छोटी, सेकंड वाली में दोनों सेम है बीच वाली लाइन, और थर्ड वाली में भी दोनों सेम है, और ये जो नीचे की जो 3 लाइन है ना थर्ड वाले में, तो बीच वाली बड़ी है और दोनों साइड के जो छोटे छोटे डिस्टेंस है। देखिए सबसे आसानी में यहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं, यहाँ पर सभी के तस्वीर में फर्क आपको नजर आ जाएगा। जी सर। यहाँ पर ये देखिए, और उसके हिसाब से जब देखा जाए तो सही जवाब में देखिए, यहाँ पर फर्स्ट जो सेकंड वाली शक्ल है उसमें कहाँ पर 2 लकीरें जो साइड की नहीं है, थर्ड वाली में नहीं है, और फोर्थ वाली में 3 लकीरें, जबकि सवाले निशान में यहाँ पर बीच में बीच वाली जो शक्ल है वो लकीर है वो नहीं है खड़ी में, वहां बॉक्स टाइप बन रहा है, इसलिए सही आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ओके जी सर, हमने है ना वो बीच वाली लाइन को ऑब्जर्व नहीं किए थे। हाँ हाँ ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। चलिए अब ये सवाल देखिए, सभी स्टूडेंट देखिए और बारीक बीनी से इसका मुशाहिदा कीजिए, सवाल या शक्ल का जो आपके सामने लेफ्ट साइड में नजर आ रही है, और चारों अशकाल में से जवाबी शक्ल के जैसी शक्ल कौन सी है वो बताइए। आपको जवाबी शक्ल तलाश करना है, जवाबी शक्ल बतलाना है कौन सी है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि बकिया जो 3 अशकाल है वो जवाब क्यों नहीं है। सर 4 नंबर की ऑप्शन नंबर 1। 2 जवाब तो सुनाई दिए हैं मुझे सर, 4 नंबर का नंबर 4। ओके, कुछ लोगों का कहना है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 2 है सर। ऑप्शन नंबर 2, चलिए अब मैं आपको आंसर बताता हूं सबसे पहले, और उसके बाद मैं ही इसमें बता देता हूं आपको कि आंसर कौन सा है और कौन सा आंसर, बाकी जो आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ये सही जवाब है। अब बखिया जो अशकाल है
इसमें सही आंसर क्यों नहीं है? तो ये देखिए, हर डब्बे में यहाँ पर डॉट दिया हुआ है, लेकिन शक्ल नंबर टू में यहाँ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा डॉट नहीं है इस बॉक्स में, ठीक है। और तीसरी शक्ल में ये जो लकीर है ये अंदर बॉक्स तक चले गई है, लेफ्ट साइड से ये जो लकीर जा रही है ये अंदर बॉक्स तक चले गई। इसके बाद चौथे नंबर में यहाँ पर लकीर ही नहीं है, यहाँ एक लकीर होना चाहिए था इसी, वो वाली लकीर ही नहीं है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत ही आसान शक्ल है, ये 10 सेकंड में इसका जवाब आ जाएगा। ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री, बच्चे जवाब दे दे रहे हैं, ऑप्शन थ्री। मैंने कहा था ना कि आसान है, ये ऑप्शन नंबर थ्री ही इसका सही आंसर है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये शक्ल जो है शक्ल नंबर एक और शक्ल नंबर चार ये उल्टी है पूरी पूरी तरह। अब दो और तीन में से कौन सा सही है वो देखना था, तो यहाँ पर देखिए शक्ल में राइट साइड में ये मुसल्लस है ऊपर और नीचे निकोने में दायरा है, तो यहाँ पर ऊपर मुसल्लस और दायरा है, सेकंड नंबर शक्ल में उल्टा हो गया, दायरा पहले चले गया नीचे मुसल्लस आ गया, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर तीन ही है यहाँ पर। चलिए वेरी गुड, माइक बंद कर दीजिए। अब इस शक्ल में थोड़ा सा आपको गौर करना है क्योंकि बारीक फर्क है, डिफरेंस है इसमें। सवाल यह शक्ल के जैसी नजर आने वाली शक्ल कौन सी है? ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर। अच्छा लगा कि बॉयज भी आंसर दे रहे हैं, नहीं तो पहली क्लास में हमें तो कोई दिखाई नहीं था, इस मर्तबा देखिए आपको सुनकर खुशी हुई। और ऑप्शन नंबर फोर इसका सही जवाब है, लेकिन अब ऑप्शन नंबर वन टू थ्री नहीं है तो क्यों नहीं है बतलाइए कोई एक। सर जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें जो थर्ड लाइन है जो हाफ सर्कल ऊपर से खाली होना चाहिए वो ऊपर भरा हुआ है, हाँ। और सेकंड में सेकंड जो पिक्चर है उसके अंदर जो सेकंड लाइन में जो सर्कल है वो फिलअप होना चाहिए था तो वो हॉलो है, खाली है, भरा हुआ नहीं है। थर्ड वाली, हाँ थर्ड वाली पिक्चर में है तो फोर नंबर वाली जो लाइन है उसका जो हाफ सर्कल है नीचे वाली लाइन फोर्थ नंबर वाली तो उसका जो हाफ सर्कल है डाउन में होना चाहिए हो था, तो वो अप है, उल्टा हो गया मतलब, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका चार है, सही पहचाने सभी ने। चलिए अगले सवाल पे आते हैं जल्द से जल्द। अब बताइए मुझे सवाल नंबर 13 आपके सामने, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है सवाल में, सवाल या शक्ल के मुताबिक शक्ल कौन सी है? ऑप्शन टू सर। ऑप्शन टू। चलिए तो आप लोग आंसर तक पहुंच गए हैं, ऑप्शन टू इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन टू ही है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसलिए नहीं है कि थोड़ा सा मोयन नुमा ये बॉक्स बना हुआ है सवाल या शक्ल में आप देखिए, और यहाँ पर पूरा मुस्ततील है फर्स्ट वाली शक्ल में, सेकंड वाली शक्ल तो पूरी जो तो इसका अक्स ही है। अब रह गए थे दो, फोर्थ वाली शक्ल दो और तीन, ऑप्शन नंबर दो और तीन में, तो यहाँ पर जो तो इसका जो क्या फर्क है कौन बतलाएगा दो और तीन में, कि सही जवाब हमने दो सेलेक्ट करे हैं? सर दो इसलिए है क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है खड़ी वाली तो वो लेफ्ट साइड में, यानी कि उसका पूरा उल्टा अक्ष दिया हुआ है उसका, यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ना देखिए दो और तीन का जो हम फर्क देख रहे थे, यहाँ पर सही जवाब हमारे पास जो तो 13 का ऑप्शन नंबर टू है, लेकिन बहुत बारीक फर्क अभी है, और ये तो नहीं था ये डन हो गया, लेकिन दो और तीन में से चाहिए था कि सही जवाब कौन सा। आप देखिए इतना बारीक फर्क है, मैं आपको दिखा दूं कि जो स्टैंड नजर आ रहा है ना आपको स्टैंड, ये आप जो तो मैं जब बोल रहा हूं तो उसके ऊपर राउंड ना कीजिए प्लीज,
मुझे फिर सबमिट देना पड़ेगा, तो आपको ही नहीं समझेगा उसमें। देखिए दो और तीन में बहुत बारीक फर्क था, ये स्टैंड जो है, ये वाला स्टैंड, ये स्टैंड का आप देखिए यहाँ पर पूरा स्टैंड सीधा है तीसरी शक्ल में, जबकि चौथी शक्ल का स्टैंड दूसरी शक्ल के मुताबिक है। देखिए ये बारीक सा फर्क था इसके अंदर, ये वाला, ये ऊपर का जो स्टैंड है इसको देख नजर गौर कीजिए आप दोनों अशकाल का। इसलिए तीसरा जवाब भी नहीं है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, इसका सही आंसर है। ठीक है, आंसर तक तो हम पहुंच जा रहे हैं, लेकिन साथ में हमको ये भी है कि उस आंसर को सही है तो कौन सा है तो क्यों है, ये भी हमको पहुंचना जरूरी है हमें। चलिए अब आपके सामने आ गया है अगला सवाल, सवाल नंबर 14 देखिए। ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन। आसान सवाल था ये और बहुत फास्ट आप लोगों ने जवाब भी दिए। अगर इसी तरह आपने इम्तिहानात में भी जवाब दिए तो इंशाल्लाह आपका स्कोर बहुत हाई रहेगा। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, मेंटल एबिलिटी जो जहनी आजमाइश का सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, मश्क इसमें बहुत जरूरी है। तो अब देखते हैं कि आपने जो जवाब बतलाए हैं उसमें सही कौन सा है। तो देखिए 14वें सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन, यही सही आंसर है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर थ्री में यह तीर के निशान आ गए पीछे से, और यहाँ पर भी एक तीर का निशान आ गया है, और यहाँ पर भी एक तीर का निशान आ गया। बाकी जो एक नंबर की शक्ल है पूरी तरह से सेम है, ये चीजें इसमें डिफरेंस है बाकी तीन अशकाल में, और पहले वाली शक्ल ये सवाल या शक्ल के बिल्कुल सेम है, इसलिए ये तीनों शक्लें जवाब नहीं है हमारा। ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। चलिए सवाल नंबर 15 आपके सामने है। इसमें आपको जरा दिक्कत होगी क्योंकि बहुत बारीक डिफरेंस फर्क है। ऑप्शन वन सर। ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन वन। ऑप्शन टू सर। ऑप्शन नंबर वन सर। ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन टू। ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू। जरा गौर से देखिए सभी अच्छे से। ऑप्शन नंबर थ्री। चलो वन टू थ्री भी आ गया, बचा है फोर ही सिर्फ सभी के तरफ से अगर देखा जाएंगे तो। ऑप्शन नंबर टू है सर। हाँ चले गए सवाल बहुत नीचे भाग गए। चलिए आंसर देखते हैं हम क्या है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। देखिए अब इसमें जो टू थ्री फोर आया था उसमें कहाँ फर्क है आप देखिए बारीकी से और बतलाइए मुझे कि टू थ्री और फोर नहीं है तो क्यों नहीं है। सर ये इमेज है ना थोड़ी ब्लर आ रही ना, इस वजह से थोड़ा पहचानने में ये हो रहा। ये जरूरी नहीं कि सब इमेजेस हमको क्लियर नजर आए। मोबाइल के अंदर जो सवाल आते हैं अक्सर हम ग्रुप्स वगैरह में देखते हैं, या अभी आप स्क्रीन को भी जूम करके देख रहे होंगे तो ये हम मोबाइल में कर सकते हैं, जूम वगैरह देख सकते हैं, और जूम करने में हम आसानी से जवाब तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इम्तिहान में अगर ऑनलाइन भी होगा तो कंप्यूटर पे हम उसको जूम नहीं कर पाएंगे, और उसी के साथ साथ अगर ऑफलाइन होगा तो वो तो कागज पर आने के बाद उसको तो जूम करने का सवाल ही नहीं आता। सर तो यही पर ये है कि जो शक्ल दी जा रही उसकी असल जो शक्ल है उसमें हमें सही जवाब तक पहुंचना आना चाहिए। सर असल में ऑप्शन नंबर वन की जो शक्ल है उसमें जो राइट साइड पे जो दो डॉट दिख रहे हैं वो एक ही साइड में है, और यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है इसके नीचे जो है थोड़ा ऊपर नीचे है, तो ऑप्शन नंबर टू के अंदर ऊपर नीचे है वो डॉट। ऑप्शन नंबर टू सही है सर। ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू सही है सर। ये देखिए यहाँ पर जो डॉट है
इधर से जो मैंने निशान किया हो नजर आए मुझे, आप बता रहे हैं जो नजर और आ ये जो यहाँ पर जो है ना सर, ये जो डॉट है ना, ये देखिए ये यहाँ पर एक मिनट, हाँ ये देखिए मैंने लाल से किया हो, ये डॉट थोड़ा ऊपर नीचे सर, राइट साइड के अंदर दो लाइनों के अंदर, और बाकी जो दूसरी लाइन है सर उसमें सब ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बाकी डिफरेंस अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर टू सही है सर मेरे ख्याल से। देखिए ऑप्शन नंबर वन आंसर तो था मेरे पास, लेकिन यहाँ पर जो फर्क यहाँ वाले ये सेम है और यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे है टू में, वो फर्क यहाँ पर मौजूद है, और थर्ड में हम देखेंगे जाकर थर्ड में क्या फर्क है, तो थर्ड के अंदर भी ये यहाँ के जो डॉट्स है वो नजदीक आ रहे हैं, एकदम उसके नजदीक ही है, और यहाँ वाले ये जो डॉट है ये डॉट्स जो नजर आ रहे हैं आपको, ये डॉट्स एकदम नजदीक है जबकि पेशाकल में दूर दूर है, तो इसका सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर टू, और वही ऑप्शन नंबर टू सही जवाब है। मेरे पास जो इसके आंसर्स लिखे हैं उसमें ये फिर रॉन्ग है शायद, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू। जी सर, चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए इस शक्ल में सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर होगा शायद सर। चलिए तो मैं जवाब बताता हूं आपको, इसका सही जवाब है। अब ऑप्शन नंबर वन टू थ्री क्यों नहीं है सर? वन जो है तो उसके अंदर जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसके अंदर जो लाइनिंग है उसका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, कम ज्यादा है, और जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर सेम डिफरेंस है, और जो सेकंड और थर्ड का है तो वो मैच ही नहीं हो रही है, उसका तो सवाल ही पैदा। सेकंड और थर्ड तो मैच ही नहीं हो रही, सीधा सीधा ये जो कलम जो दिया हुई है दी हुई यहाँ वो डिफरेंस है, इसलिए ये सेकंड और थर्ड का तो सवाल ही नहीं उठता, वन और फोर्थ का है, तो इसमें फर्क डिफरेंस ये है कि ये जो मुसलस में जो लाइनें दी हुई है ये लाइनें यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन में बहुत नजदीक नजदीक है, इसलिए ये नहीं होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर में जो लाइनें दी हुई है मुसलस में वो सवाल या शक्ल के मुताबिक ही है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, इसका सही आंसर है। अब तक आप सभी इस बात को समझ गए होंगे कि सवाल या शक्ल के जैसी दो शक्लें तो कन्फर्म आती ही है, तो वहां वो दो शक्लें हमको ज्यादा डिफरेंस करती है, हम उसमें आसानी से एक दो शक्लें तो अलग से निकाल ही लेते। चलिए इस शक्ल में देखिए और बताइए, आसान सवाल है ये कि सही आंसर कौन सा है सर? थर्ड नंबर, थर्ड ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री। चलिए इसमें हम टाइम ही नहीं लेंगे ज्यादा, ऑप्शन नंबर थ्री सही है। फोर क्यों नहीं है बता दीजिए, तीर के निशान के ऊपर ही है जवाब सर, वो मिरर क्या बोलेंगे उसे, मिरर पिक्चर अब से उसका सर फोर जो है तो। देखिए फोर जो है तो उसका अक्स है, ये तो फोर इसलिए नहीं है, और फर्स्ट और सेकंड इसमें हम देखेंगे तो ये जो तीर के निशान है यहाँ पर तीर के निशान उल्टे है इस शक्ल में, और यहाँ पर ये वाले तीर के निशान उल्टे आ गए, और फोर्थ वाली तो अक्ष है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार, इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका सही जवाब क्या है बताइए। अब आपके सामने ये जो शक्ल है, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर वन, ये जो शक्ल आपके सामने रेड बॉक्स में है ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन वन, चारों में से कौन सी शक्ल सही है बताइए। माशाल्लाह बहुत जल्दी जवाब तक पहुंच जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर फोर है सर। ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन वन है सर। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन है सर। नंबर वन, नंबर वन इसका सही आंसर है। बाकी कोई बताइए कि टू थ्री और फोर क्यों नहीं है, मुसल्लस और मुरब्बे में लाइन के ऊपर से हम इसका आंसर जान सकते हैं।
सर सेकंड में जो मुरब्बा है उसके अंदर 1 2 3 4 लाइनिंग है, और जो थर्ड है, थर्ड जो पिक्चर है उसके अंदर जो ट्रायंगल है तो उसके जो लाइनिंग है अंदर हाफ ट्रायंगल में तो बहुत नजदीक नजदीक है, और जो फोर वाली फिगर है तो उसके अंदर जो ट्रायंगल है स्क्वायर है तो उसके जो लाइनिंग है वो फोर है, जबकि हमें थ्री देखना है। देखिए फोर वाली जो बतलाया आपने उसमें जो मुसलस है, मुसलस के अंदर की जो लाइनिंग है वो दूर दूर है, वो कम दूर दूर है, जो स्क्वायर है उसकी लाइनें बराबर है, और शक्ल जो है तो सेम टू सेम है, जो डिफरेंस है बाकी तीन शक्लों में क्या क्या फर्क है वो आपको स्क्रीन पर दायरे के अंदर शो कर रहा है, इसलिए आंसर नंबर एक सही है। चलिए अब ये शक्ल देखिए और बतलाइए कि इसमें सही आंसर क्या है। सभी का ऑप्शन नंबर वन आया, इस बार किसी का भी डिफरेंस नहीं है, तो चलिए सभी के साथ चलते हैं। और ऑप्शन नंबर मैं जो निकाला था मेरे पास जो है वो भी ऑप्शन नंबर वन ही इसका सही आंसर है। जो डिफरेंस है देख लीजिए, सबसे पहले ये बॉक्स में चौथे नंबर में लाइन ही नहीं है, यहाँ पर ये लाइन उल्टी हो गई है और यहाँ लाइन नहीं है, इसलिए एकदम आसानी से हम फौरी यहाँ पर पहुंच गए कि ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर है। ठीक है चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। ये सवाल में आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, अब बतलाइए कि इसमें सही जवाब कौन सा है। ऑप्शन ऑप्शन थ्री सर। रीजन भी देना है कि सही नहीं है तो। चलिए तो आंसर तक सभी आ गए हैं। ऑप्शन नंबर थ्री सही है इसका। अब बताइए 1 2 और 4 ये सवाल या जवाब क्यों नहीं है, डिफरेंस का है वो भी दिखा। अब देखिए चौथे नंबर वाली शक्ल में ये जहां पर तो पूरा पूरा आसानी से फर्क है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम ही शक्ल अशकाल है, फर्क कहाँ है फिर? सर एरो की साइड से फर्क है। एरो ऊपर के साइड एरो में फर्क है। एरो लाइन में फर्क है। एरो में कुछ गोल राउंड दिखाई दे रहा। मुझे लग रहा है बच्चे जवाब दे दे रहे हैं। अच्छी बात है उनका, ये अगर पांचवी आठवीं के बच्चे तो उनकी भी स्कॉलरशिप की तैयारी हो जाएंगी, रखिए साथ में। लेकिन बेहतर है जवाब अगर आप दे तो अच्छा रहे, क्योंकि बाद में हम ये वीडियो YouTube पर भी अपलोड करते हैं तो वहां लगनी चाहिए कि टेट की क्लास है, नहीं तो कोई हमारे दोस्त समझेंगे बाकी सब जो ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं कि ये दूसरी क्लास ही हम टेट की बोल के अपलोड कर ले रहे हैं। हाँ चलिए चलो मैं बतला देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर सेकंड वाली जो शक्ल है उसमें ये वाला जो फर्क है ये तस्वीर के साथ का ये फर्क है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, और थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर कौन सा फर्क है, फर्स्ट वाली में, यह देखिए फर्स्ट वाली में यहाँ पर जो फर्क है ये वाला जो तो एक लाइन नहीं है नीचे दूसरे सर्कल में, इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर थ्री है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए सर। सेकंड फोर्थ रहेगा। नहीं नहीं फोर्थ नंबर ऑप्शन नंबर
नहीं रॉन्ग हो रहा फोर्थ नहीं रहेगा ऑप्शन नंबर थ्री हाँ ऑप्शन नंबर थ्री रहेगा नंबर फर्स्ट थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल है ये ऐसा सवाल है जिसको हम ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर वन है सर ऑप्शन नंबर वन वन फाइनल सर हाँ ऑप्शन वन ही है फाइनल सर ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन के पास जाकर वापस आना पड़ा और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वन ही है अब बताइए टू थ्री और फोर में जो आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है टू के अंदर जो एरर है सर वो इस साइड में है टू के अंदर एरो सेम ही है नहीं सर जो ट्रायंगल का निशान है राइट साइड में वहां पर सर्कल आया हुआ है जो ऊपर में ना सर ऊपर वाले ऊपर वाले सिंगल है ना सर वो नहीं बना हुआ है वहां पर राउंड बना हुआ है हाँ यहाँ राउंड है वहां पर ट्रायंगल नहीं है ये है ओके करेक्ट जी और जी में क्या डिफरेंस है फिर थ्री में जो थर्ड लाइन है ना सर वो लेफ्ट साइड से हाँ थर्ड लाइन ये लेफ्ट साइड में चले गए यहाँ पर इसलिए थ्री नहीं है और फोर में फोर्थ में जो सेकंड नंबर की लाइन है सर वहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है इधर स्क्वायर बना हुआ है वहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए था इसलिए ये तीनों आंसर नहीं है सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन करेक्ट चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अब सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर है सर ऑप्शन नंबर फोर है सर ऑप्शन फोर ऑप्शन फोर है सर चलिए फिर मैं बता दूं आंसर आप ऑप्शन नंबर वन है सर वन का सही जवाब जो है तो है ऑप्शन नंबर वन अब डिफरेंस कहाँ कहाँ है बतलाइए टू थ्री फोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहे थे कि सवाल जवाब आ रहे थे फोर तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि टू और थ्री क्यों नहीं है फोर क्यों नहीं है फिर हम बाद में देखेंगे सर टू में जो है तो ये जो सेकंड वाली जो पिक्चर है उसके अंदर डॉट है बीच में और उसके जो दो लाइनिंग है वो मिली हुई है जो दो लाइन यहाँ पर मिल गई हुई है मिली हुई है हाँ। इसलिए सेकंड नंबर नहीं है अब थर्ड में थर्ड में डॉट नहीं है सर नीचे लास्ट का जो क्या बोलेंगे ट्रायंगल बनना चाहिए था वो ट्रायंगल यहाँ पर थोड़ा क्रॉस हो गया इस वजह से नहीं है सिर्फ नहीं तो अदरवाइज आप देखिए के फर्स्ट शकल नंबर चार की जैसी सेम शकल दो नंबर या तीन नंबर नहीं है लेकिन फर्स्ट और चार दोनों भी सेम नजर आ रहा है एक बहुत बारीक सा इसमें फर्क था ये वाला जिसकी वजह से ये कैंसल होती है और सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर वन चलिए आगे बढ़ते हैं हम चलिए बताइए अब इस शकल में सवाल या शकल के मुताबिक जवाबी शक्ल कौन सी है टू ऑप्शन नंबर टू सर ऑप्शन टू सर चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर टू ही है और फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है क्या फर्क है इसमें पहली शक्ल में बताइए क्या फर्क है फर्स्ट वाली शक्ल में जो सर लाइन है ना बीच में जो दो लाइनें हैं उसका जो बीच का डिस्टेंस है वो तो सेम है लेकिन वो तीन लाइनें हैं क्रॉस जो है तो हाँ यहाँ पर सबसे पहले ये फर्क है कि तीन लाइनें दिया गया है यहाँ दी गई है यहाँ पर और थर्ड और फोर्थ में क्या फर्क है वो लाइन अपोजिट साइड में चलती है सर थर्ड वाले में यही लाइन अपोजिट साइड चली गई अपोजिट है यस सर और फोर्थ
फोर्थ वाले में लास्ट के लाइन दो ट्रायंगल बनने थे तो वो दो ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पर देखिए जो नीचे जो लकीर है यहाँ ये वाले खाने में, यहाँ लकीर नहीं है खड़ी ऐसी। जी जी सर, वो लकीर नहीं है सर उसमें। हाँ, वो लकीर नहीं होने की वजह से ये हमारा सही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका।